के राष्ट्रीय रेखा समाज का छठा महासम्मेलन स्थान पर आयोजित है। इस समारोह के राष्ट्रीय अध्यक्ष घटनावलिया जी, समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 85 पदाधिकारीगण, सामने विराजमान समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, पदाधिकारीगण, माता बहनों एवं सकल समाज को मेरा प्रणाम। इस समारोह में समाज के विकास के मुद्दों पर चर्चा में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो है मुझे इस हेतु चुना। मैं इस समिति का अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का बड़ा महत्व है और अपन सब जानते हैं कि शिक्षा सब तालों की कुंजी होती है। जिसके पास शिक्षा है वह समाज निश्चित रूप से विकास करेगा। अपने समाज में भी धीरे धीरे समाज के प्रबुद्ध लोग, विद्वान, वैज्ञानिक, इंजीनियर, राजनेता सभी पढ़कर के आगे बढ़ रहे हैं। ये खुशी की बात है, लेकिन साथ ही साथ इस दिशा में समाज को सोचना पड़ेगा कि हम समाज का आगे और क्या विकास कर सकते हैं। बालक बालिकाओं के लिए हम कितना विकास या बालक बालिकाओं का मार्गदर्शन इस प्रकार से किया जाए कि हमारे समाज के अधिकांश बालक बालिकाएं आगे बढ़ करके समाज के या राष्ट्र के उन उच्च पदों पर बैठें जिससे समाज का विकास हो सके। अपन को व्यवसाय दो कार्य हैं, शिक्षा, शिक्षा एक नौकरी के लिए किया जाते हैं और दूसरा व्यवसाय के लिए। यदि शिक्षा व्यक्ति के पास है तो वह व्यवसाय में भी सफल होगा और नौकरियों में भी सफल होगा। नौकरियों में अपने समाज में अपन जानते हैं कि लोग माध्यमिक शिक्षा करके बहुत सारे लोग भी जुड़ जाते हैं, फिर स्नातक तक आते हैं, फिर बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, फिर उनकी परिस्थितियों के अनुसार वो छोड़ देते हैं। तो इनको रोकने के लिए, हमारे समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनको एक रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिसके लिए हम माध्यमिक शिक्षा के बाद जो व्यवसायिक कोर्स होते हैं उनकी तरफ बच्चों को मोड़ना चाहिए। वह भले ही छोटे से छोटे ITI से शुरू होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोजगार मोहनुक जो है प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उनके मोड़े बड़े से बड़ा IIT होगा, नीट होगा, ICR होगा, ICDS होगा, SSC की तरफ, इन सब की तरफ अपने को समाज के बच्चों का मार्गदर्शन करके उनको संबल प्रदान करना पड़ेगा। साथ ही बालक बालिकाओं में एक निराशा की प्रवृत्ति जो बनती है। हमारा समाज सक्षम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन समाज के बहुत सारे लोग जो गरीबी में आज भी जी रहे हैं उनमें प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं का उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। उनको मार्गदर्शन की कमी के कारण वो बीच में रह जाते हैं। मैं समाज से पुरजोर प्रार्थना करता हूँ कि समाज के वो लोग जो अग्रणी पदों पर बैठे हैं, समाज के जो सक्षम लोग, समाज के जो समृद्धशाली लोग, समाज के जो राजनेता या समाज के जो प्लानिंग में काम कर रहे हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी समाज में बने, ताकि वह कोऑर्डिनेशन कमेटी केंद्र से लेकर राज्य और जिला स्तर से पंचायत समिति गाँव तक एक कोऑर्डिनेशन बने, जिससे बच्चों का पुरजोर मार्गदर्शन हो सके। ये मेरी इच्छा है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि अपन शिक्षा में जिन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप जानते हैं कि जनरल सेवाएं चाहे टीचर हो चाहे छोटी सेवाएं हो उनमें जाते हैं लोग, लेकिन कुछ समाज की ऐसी सेवाएं हैं जिनका समाज में वर्चस्व होता है। वो समाज जैसे आप रेवेन्यू सर्विसेज लीजिए, पुलिस सेवा में लीजिए, IAS RPS IPS, जब यदि किसी समाज में होंगे तो समाज का दबदबा होगा। जहां पर एक वकील होगा, जहां पर एक थानेदार होगा, जहां पर एक रेवेन्यू का अधिकारी होगा, उस समाज का लवा हर समाज मानेगा। इसलिए अपने समाज को ये दें, रेवेन्यू सर्विसेज में जाएं, पुलिस सेवा में जाएं, IAS RAS IPS और बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेवाएं हैं, उन सेवाओं में बढ़ाने के लिए समाज पुरजोर
एक जो है व्यवस्था करें और अच्छी व्यवस्थाएं उन बच्चों को मिल सके। मैं क्योंकि मुझे अवसर मिला है, सीमा भी है, तो इन बातों का ध्यान रखकर बच्चों को, बालक बालिकाओं को, दोनों को समान प्रकार से शिक्षा में आगे बढ़ाएं, बहुत सारे प्रशिक्षणों की ओर लगें ताकि बच्चे बीच रास्ते में न छूट पाएं, जिसकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार उनको मार्गदर्शन देकर के उस दिशा की ओर मोड़े ताकि समाज का विकास हो सके। लघु उद्योग और उद्योगों में जो हमारे समाज के व्यक्ति सफल हो गए उनका भी उत्तरदायित्व है कि पीछे जो लोग उद्योगों में बढ़ रहे हैं उनका मार्गदर्शन करें, उनके लिए व्यवस्था करें, उनको मार्ग बताएं, रास्ते बताएं ताकि समाज आगे बढ़े। जय रेगर समाज, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।